नेक्स्ट हमारे पास आएगी कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग इज ऑलवेज बिटवीन नॉन मेटल्स, आइदर दे कैन बी सिमिलर और दे कैन बी डिफरेंट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स H2 मॉलिक्यूल. अब इसमें हमेशा शेयरिंग होगी, कोवेलेंट में होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन. अब अगर इसके अंदर आप डुप्लेट रूल फॉलो करें, इफ यू फॉलो द डुप्लेट रूल ओवर हियर, बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन नीड टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. व्हाट इफ दे शेयर बोथ देयर इलेक्ट्रॉन्स? अगर ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें, नाउ अगर आप देखें इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए, टू इलेक्ट्रॉन्स. बोथ ऑफ देम हैव नाउ कंप्लीटेड देयर डुप्लेट, क्योंकि इनका फर्स्ट शेल है और इनके फर्स्ट शेल में होते ही टू इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो देयर आर ऑलवेज कंबाइंड वैलेंस शेल्स इन कोवेलेंट बॉन्डिंग. जब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात होती है, हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल होता है सिर्फ वही इन्वॉल्व होता है. और कोशिश ये होती है कि जब आपको एग्जामिनर पूछे, व्हेन यू हैव द क्वेश्चन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, या वो बहुत फेमस क्वेश्चन बार बार क्या आते हैं, ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ऑलवेज शो द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ना दिखाएं, बेशक फिफ्थ आउटर मोस्ट शेल हो. अब हाइड्रोजन का तो है ही एक शेल, तो आपने वही आउटर मोस्ट शेल दिखाना है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं HCl मॉलिक्यूल की. ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने कंप्लीटली इसका हमने फॉलो करना है, डुप्लेट रूल. इधर कौन सा फॉलो होगा, डुप्लेट रूल. डुप्लेट रूल में दो आउटर मोस्ट कंप्लीट चाहिए होते हैं. क्लोरीन है, क्लोरीन का तो हमें ऑक्टेट फॉलो करना होगा. सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, जी सिर्फ हाइड्रोजन जो है, ओनली हाइड्रोजन फॉलोज द डुप्लेट रूल. बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल. टिल कैल्शियम, जो आपके सिलेबस में कैल्शियम तक है, वो सारे ऑक्टेट रूल ही फॉलो करते हैं. ओनली हाइड्रोजन फॉलोज डुप्लेट. ऑक्टेट का मतलब है क्लोरीन को 8 चाहिए. अब क्या होगा, हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 1, क्लोरीन को कितना चाहिए, 1. इफ बोथ ऑफ देम नीड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट शेयर, ये अपने साथ एक शेयर कर ले. अब क्या होगा, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 8 हो गए. बट यू हैव टू रिप्रेजेंट की जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन. हमेशा यू कैन ऑल्सो ड्रॉ की ऑन द टेबल, आप इस तरह करके की बना सकते हैं कि हाइड्रोजन ये है और क्लोरीन ये है, इसके मार्क्स भी होते हैं. So this is how you form a key and you can show the sharing of electrons. So there's a overlap of electron orbitals and sharing of electron pair. A levels में आप पढ़ते हैं कि electron orbital जो sp, p और f आपके पास shells होते हैं, वो किस तरह overlap करते हैं, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा detail है. When you'll go in AS, already you must have studied in AS chemistry. वहाँ पे sp और df orbitals को हम 3D में show भी करते हैं कैसे उनकी overlapping होती है. लेकिन ये concept अभी आपने O levels में use नहीं करना. So always an equal number of electrons are shared in covalent bond formation by the bonded atoms. ऐसा नहीं कि MgCl2 में Mg दो दे रहे, Cl तो एक ही दे रहे, उसके लिए हमें दूसरा Cl मंगवाना पड़ेगा. यहाँ पे दोनों एटम्स को when they need the same number of electrons, only then they can form a covalent bond.